अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली राष्ट्रीय संगठन भारतीय सुदर्शन समाज महासंघ और युवा महासंघ की ओर से शहर के गणेश नगर परिसर में महर्षि सुदर्शन जन्मोत्सव समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह के दौरान आयोजक की ओर से संगीत संध्या और पथ नाट्य अखाड़ा प्रत्याक्षित और सुदर्शन प्रीमियर लीग के प्रतिभावान खिलाड़ियों का सम्मान मान्यवरों के हस्ते किया गया। इस समारोह में समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हुए थे। हमारे सुदर्शन महर्षि जो हमारे आराध्य देव हैं, इनके पूरे भारत वर्ष में जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। भारतीय सुदर्शन समाज महासंघ के आयोजन आज नागपुर में हमारे नागपुर शहर के अध्यक्ष और युवा संगठन मिल करके ये कार्यक्रम आयोजन करिए। इसके पूरे 11 राज्यों में जो ये समाज के लोग हैं 7 से 8 करोड़ की संख्या में है और पूरे भारतवर्ष में आज ये जयंती मनाई जा रही है। आज नागपुर में भी उसी का स्वरूप है। तो वैसे तो सुदर्शन जी का इतिहास अगर देखें तो महाद्वापर युग में महाभारत काल से चला आ रहा है। इसमें अगर हम बाइट में अगर कहें तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन हमारे आराध्य देव है सुदर्शन जी और इसको मानने वाले पूरे भारतवर्ष से फैले हैं। आज उसी का स्वरूप है कि आज ये जो जयंती मनाई जा रही है, जयंती के माध्यम से हम अतिथियों को बुलाते हैं, शासन और प्रशासन को, और अपने समाज की जो समस्या है वो भी यहाँ रखते हैं ताकि शोषित पीड़ित समाज, आज तक का इनका कोई उद्धार नहीं हुआ, लेकिन हम चाहते हैं कि शासन की जो भी योजना हो इनका लाभ ये पिछली पंक्ति में बैठे हुए समाज को मिले। कैमरा पर्सन माइकल के साथ अभिषेक पानसी की न्यूज़।